सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जो तीन बड़े कदम हैं, हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए, इसके लिए हवाई क्षेत्र में इनके जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है। इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं जिसमें लोगों का समय भी जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे, मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको 2 महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विमानन क्षेत्र को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर टर्बाइन फ्यूल वो बचेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, लोगों का समय बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी। दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1,000 करोड़ रुपया आता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2,300 करोड़ रुपए की मिलेगी, ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है। और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए, इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा, 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल की बात करते हैं, जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है लेकिन हवाई जहाजों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हो, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हो, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हो, उनमें से भी ज्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहां के लोगों का रोजगार के अवसर छीनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रिजीम में बदलाव किए गए, उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयर फ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं, उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए, उस दिशा में कदम है।